हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए संविधान की कांसेप्ट की क्लास कर रहे हैं उसकी आज ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जहाँ से आप लोग जाकर अवश्य देखें। ये क्लासें आपकी एसएससी जीडी एग्जाम व्यू से इतनी महत्वपूर्ण है कि आपसे क्या बताया जाए। इसमें सेम वही पढ़ाया जा रहा है जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाएगा या जिसकी पूछे जाने की संभावना 100% है। इसमें उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा जो आपके ऊपर मात्र एक बर्डन सा हो, यानी लोड सा हो और पेपर में भी ना आए। तो दोस्तों, क्लास को पूरी और ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, कल तक हम पढ़ चुके थे, भाग एक पूरा कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें भाग एक में क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र। तो हम कल संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है भाग दो, यानी जो संविधान का भाग दो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है क्या, नागरिकता। जो संविधान का भाग दो है इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो जितने भी मेरे एसएससी जीडी के योद्धा बंधु हो, जल्द ही आ जाएं और क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, जितना मैं बोर्ड पर लिखूंगा, अगर आपको वो अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम अभी क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे एसएससी जीडी के योद्धा बंधु हैं वो तुरंत ही अपनी नोट्स निकाल लें और अपनी एक पेन तैयार रखें। ये क्लास आपकी बिल्कुल ऑफलाइन जैसी चलाई जा रही है, इसमें आपको कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जाएगा जो मैं बोर्ड पर न लिखूँ, आपको सेम टू सेम ऑफलाइन क्लास जैसे बोल बोल कर लिखाया जाएगा। तो आप लोग की एक बार की मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाती रहेगी। अगर आप आज नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद आपको पूरे YouTube पर कहीं भी संविधान की कोई क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, मात्र आपको रिवीजन करना पड़ेगा और आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है वो 90+ आपका एसएससी जीडी में आना चाहिए। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची है वो क्लास चला रहा है। तो आप लोग ध्यान से और पूरी क्लास देखिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो लिखिएगा, जो भाग दो में नागरिकता के बारे में चर्चा है, तो इसमें हमको कितने अनुच्छेद पढ़ना है। जो भाग दो में हमें अनुच्छेद पढ़ना है, वो अनुच्छेद हमें पढ़ना है 5 से अनुच्छेद 11 तक। जो हमें अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान के भाग दो यानी नागरिकता में पढ़ना है। तो आप लोग मेरे साथ लिखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। अगर हमको नागरिकता पढ़ना है तो उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि भारत में कैसी नागरिकता है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग लिखिएगा नागरिकता के प्रकार, लिखिएगा नागरिकता के हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि नागरिकता, तो नागरिकता के प्रकार भी हमें जान लेना चाहिए। तो जो भारत में आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन नागरिकता और प्रकार की हो सकती है। जैसे अमेरिका को अगर आप देखें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहीं अगर आप स्विट्ज़रलैंड को देखेंगे कि जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर तेहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और स्विट्ज़रलैंड में तेहरी नागरिकता है। वहीं अगर भारत में आपसे पूछी जाए तो भारत में एकल नागरिकता है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि जो भारत में एकल नागरिकता है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया। जो भारत में एकल नागरिकता है उस नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग लिखिएगा, अगर आपसे नागरिकता के प्रकार पूछा जाए कि नागरिकता का कौन सा प्रकार भारत में है, तो लिखिएगा भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कैसी नागरिकता है तो आप लोग बताएंगे कि भारत में एकल नागरिकता है। लेकिन जो एकल नागरिकता है, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एकल नागरिकता है वो किस प्रकार के राज्य का लक्षण है। आपसे क्वेश्चन UPPCS में बहुत ही बार पूछा गया है क्या कि जो एकल नागरिकता है वह किस प्रकार के राज्य का लक्षण है। तो यहाँ पर लिखिएगा एकात्मक राज्य का लक्षण है। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा क्या है कि जो एकल नागरिकता है वह एकात्मक राज्य का लक्षण है। उसके आगे आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की नागरिकता है यानी भारत में एकल नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप ये नहीं बता सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं, हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम राजस्थान के नागरिक हैं। नहीं, ओनली और ओनली आप ये बताएंगे कि हम भारतीय हैं। क्या आप लोग ये बताएंगे कि हम भारतीय हैं। तो इसीलिए जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि जो पूरे देश हैं यानी पूरे जो राज्य हैं उन सभी की एक ही नागरिकता होगी, वो क्या, वो होगी भारतीय। यानी जो हमारी नागरिकता है वो कौन सी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत की नागरिकता है वो प्रेरित कहाँ से है। आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की नागरिकता है वह किस देश से प्रेरित है, यानी जो भारतीय नागरिकता है वह किस देश से ली गई है। तो आप लोग मेरे साथ लिखिएगा जो भारतीय नागरिकता है वह ब्रिटेन से प्रेरित, किससे, जो भारतीय नागरिकता है यानी भारत में कैसी नागरिकता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि भारत में एकल नागरिकता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एकल नागरिकता है वह किस देश से प्रेरित है तो आप लोग बताएंगे ब्रिटेन। क्या कि जो एकल नागरिकता है वह ब्रिटेन से प्रेरित है। तो मेरे जितने भी SSC GD के योद्धा बंधु हैं वो मेरे साथ अपने नोट्स में सेम टू सेम ऐसे लिखते चलिएगा। आपके एग्जाम व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर संविधान का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है SSC GD एग्जाम में तो वो आपसे बाहर नहीं जाएगा, मेरा आपसे दावा है। आप अपनी नोट्स मेरे साथ प्रिपेयर करते चलिएगा। जो अपना हाथ होता है वो जगन्नाथ होता है। क्या, अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपने हाथ से बनाया गया नोट्स बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आप दूसरे का नोट्स पढ़ने में आधा घंटा का समय लेते हैं तो वहीं अपनी नोट्स जो आपने बनाया उसे पढ़ने में 5 से 10 मिनट का समय लेंगे और आपका वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो उसके आगे लिखिएगा, अब आपके माइंड में उठा होगा कि नागरिकता है तो हम नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठा कि मान लीजिए कि भारत की नागरिकता एकाहारी है या एकल नागरिकता भारत में है, तो अगर हम किसी देश से आ रहे हैं तो हम भारत में अगर रहना चाहते हैं तो हमें भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। तो अब आप लोग लिखिएगा, नागरिकता प्राप्त होना यानी भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो लिखिएगा, नागरिकता प्राप्त होना जो नागरिकता प्राप्त होना यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अगर हम नागरिक अभी मान लीजिए नहीं हैं, अगर हम बनना चाहते हैं तो भारत की नागरिकता हमें किन प्रकार से प्राप्त हो सकती है, तो उसे भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ लिखिएगा, नंबर एक, जन्म से। अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए नंबर एक, आपका अगर जन्म अगर भारत में हुआ जन्म से, उसके बाद नंबर दो, वंश से, नंबर तीन, जन्म से वंश से, उसके बाद पंजीकरण से, जन्म से वंश से पंजीकरण से,
उसके बाद देशीकरण से जन्म से वंश से पंजीकरण से और भूभाग के अर्जन से यानी भू भाग के अर्जन से आपसे नागरिकता पूछा जा सकता है कि जो भारतीय नागरिकता है उसे कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे कि उसे पांच प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूभाग के अर्जन से। यानी अगर मेरा जन्म भारत में हुआ हो, क्या मेरा जन्म भारत में हुआ हो, यहाँ पर कुछ कंडीशन भी हैं, लेकिन आपको उस कंडीशन को नहीं जानना, क्योंकि हम आपको बता तो दें लेकिन वो आपके ऊपर एक बर्डन सा हो जाएगा। वो आपके SSC GD एग्जाम में कतई नहीं पूछा जाएगा, 100% नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। मैंने बहुत सारे SSC GD के पेपर पर रिसर्च किया है, वहाँ से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है आज तक SSC GD में। तो हम उसे बताना अच्छा नहीं समझेंगे, वहाँ से क्वेश्चन 100% नहीं आएगा। संविधान के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको वही जो मेन क्वेश्चन होते हैं जहाँ से पूछा जाता है वहीं से आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप लोग वही पढ़िए कि जो पेपर में पूछा जाता है। तो बस आपको मोटा मोटा इतना याद करना है क्या कि भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है। तो वहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूभाग के अर्जन से। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन और पूछी जाती है कि जो पंजीकरण है और देशीकरण है। तो जो पंजीकरण है यहाँ पर 5 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। क्या? 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना होगा। और देशीकरण में 10 वर्ष अनिवार्य है। क्या? देशीकरण में 10 वर्ष और पंजीकरण में कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। तो इतना आप लोगों ने समझा होगा। अगर जैसे लिखा है भूभाग के अर्जन से, भूभाग का अर्जन का मतलब हुआ कि जो सिक्किम था, गोवा था, अंडमान निकोबार थे, ये सब मान लीजिए पहले मेरा भाग नहीं थे। जब उन पर भारत ने कब्जा किया तो वहाँ के जो नागरिक थे वो सभी भारतीय नागरिक हो गए। तो आप आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा कि भूभाग के अर्जन से अर्थ क्या होता है। कि अगर मान लीजिए कि अभी कोई भाग भारत का नहीं है, मान लीजिए कि अगर भारत चीन पर कब्जा करना चाहता है और भारत चीन पर कब्जा कर लिया तो जितने भी चीन के लोग हैं वो सभी क्या बन जाएंगे? भारतीय। जितने भी चीन के लोग हैं वो क्या बन जाएंगे? भारतीय। तो आप लोगों ने समझा होगा पंजीकरण एक ये प्रोसेस होता है और देशीकरण ये भी एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन पंजीकरण में आपसे शर्त है कि आप कम से कम 5 वर्ष भारत में रहे हों और देशीकरण में आप कम से कम 10 वर्ष भारत में रहे हों। उसके बाद अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब हमको भारत की नागरिकता तो मिल गई, लेकिन हम नागरिकता का त्याग कैसे कर सकते हैं? तो लिखिएगा नागरिकता का समाप्त होना, नागरिकता का समाप्त होना। अब हमें जानना है कि अब हमें नागरिकता तो मिल गई लेकिन नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। तो उसके भी कई प्रोसेस हैं, जिसमें से आपको पहला समझना होगा कि नागरिकता स्वतः त्याग देने पर, अगर आप लोग किसी दूसरे देश जाते हैं और वह देश आपको पसंद आता है, आप वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और एक और माध्यम है कि आप स्वयं ही भारत की नागरिकता त्याग दें। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें क्या लिखना है? पहले पॉइंट में स्वतः ही नागरिकता त्याग देने पर,
स्वतः ही नागरिकता त्याग देने पर अगर आप अपने मन से भारत की नागरिकता त्याग देते हैं तो वहाँ पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें का जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद जैसे ही भारत सरकार को पता चलेगा आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त की जाती है। क्या? स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जो भारत की नागरिकता है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके आगे लिखिएगा तीसरा पॉइंट इसके लिए और है, क्या? संविधान का अनादर करने पर, अगर आप संविधान का अनादर करते हैं, तीसरे पॉइंट में लिखिएगा संविधान का अनादर यानी आप संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान का आदर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर आप संविधान को नहीं मानते या संविधान का अनादर करते हैं, आदर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। उसके आगे जो आपको चौथा पॉइंट इसमें समझना है कि नागरिकता समाप्त कैसे होगी, तो चौथे पॉइंट में लिखिएगा देशद्रोह युद्ध में शत्रु देश की सहायता करना। क्या? देशद्रोह देशद्रोह युद्ध में शत्रु देश की सहायता करना। अगर भारत किसी देश से युद्ध कर रहा है या उसका देशद्रोह है, तो अगर आप वहाँ पर युद्ध देश की अगर सहायता करते हैं, जो अपना शत्रु देश है, अगर आप शत्रु देश की सहायता करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी नागरिकता त्यागी जा सकती है, यानी वहाँ पर आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप शत्रु देश की सहायता करते हैं, मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, और आप वहाँ पर भारत की तरफ से ना जाकर पाकिस्तान के तरफ से युद्ध करते हैं, और अगर आपको भारत सरकार पकड़ती है या आपके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो आपकी नागरिकता को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। मेरे जितने भी SSC GD के योद्धा बंधु हैं, वो एक बार और जोर लगाइएगा और धमाकेदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं नागरिकता समाप्त होने के। तो लिखिएगा धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, जो पांचवा पॉइंट आएगा इसके अंतर्गत। क्या? धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना। आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? मेरे जितनी भी SSC GD के योद्धा बंधु हैं, वो मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए या हम
ओनली हम ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग सिर्फ ऐसे मजाक बना रखे हैं पढ़ाई का। मजाक मत बनाइए, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड दिया जा रहा है। इसमें आपको कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट टीम है वो आपके साथ दिन रात खड़ी है, तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। और हम बहुत सारी और फैकल्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने कल से और या आज से ही और क्लासेस चलने लगेंगी और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आ रही हैं, तो आप लोग उनको भी देखिएगा और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा कि अब की जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसे आपको फोड़ देना है। क्या कर देना है? एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को फोड़ देना है। वहाँ पर अब की आपको वापस नहीं आना, जितने भी मेरे योद्धा हैं वो सब तैयार हो जाएं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फोड़ने के लिए। तो लिखिएगा मेरे साथ, क्या अगर आप धोखाधड़ी से अगर नागरिकता प्राप्त करते हैं कि आपको जितनी उसमें क्राइटेरिया रखी गई है फुलफिल करने का, जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है कि हमको इतने क्राइटेरिया को पार करनी है या फुलफिल करनी है, अगर आप उसको सही तरीके से फुलफिल नहीं करते और अगर आपको धोखाधड़ी के द्वारा पकड़ा जाता है कि आपने धोखाधड़ी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है, तो आपका नागरिकता स्वतः ही समाप्त की जा सकती है। उसके आगे लिखिएगा, पंजीकरण या देशीकरण, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर है छठवां पॉइंट, लिखिएगा पंजीकरण या देशीकरण। पंजीकरण या पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने पर पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने पर से नागरिकता प्राप्त करने से यानी पर 5 वर्ष में से नागरिकता प्राप्त करने पर 5 वर्ष में से 5 वर्ष में से 2 वर्ष की सजा होने पर अगर आपने जो नागरिकता है वह पंजीकरण या देशीकरण से प्राप्त की है, अगर आपको उसमें 5 वर्ष के अंतर्गत यानी 5 वर्ष के अंदर अगर आपने नागरिकता प्राप्त की पंजीकरण या देशीकरण से, अगर आपको 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है, तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है और 5 वर्ष के अंदर आपको 2 वर्ष की सज़ा हो जाए, कितने वर्ष की? 5 वर्ष के अंदर आपको ये क्राइटेरिया रखा गया है कि 5 वर्ष के अंदर अगर आपको 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है, तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त की जा सकती है। और उसके आगे लिखिएगा, एक पॉइंट और है कि लगातार, 7वां पॉइंट लिखिएगा इसमें, लगातार भारत के बाहर लगातार भारत के बाहर 7 वर्षों तक निवास करने पर सात वर्षों तक निवास करने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता
समाप्त हो जाती है। अगर आप भारत के बाहर 7 वर्षों तक निवास लगातार, यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है क्या, लगातार अगर आप भारत से बाहर 7 वर्षों तक रहते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त की जाती है। मान लीजिए कि आप कहीं पर विदेश में कमाने गए और वहाँ आपको कोई अच्छी लग गई, आपको उससे प्यार हुआ और आपने शादी कर ली, और आपने वहीं पर 8 या 9 वर्ष बिता दिए, तो जो भारत में आपकी नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप बीच बीच में आते रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, लेकिन जिससे आपने शादी किया है उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो ऐसी गलती मत करना, उसको फिर से भारत की नागरिकता बनाने के लिए हमें पंजीकरण या देशीकरण के थ्रू, इन दोनों के थ्रू आपको नागरिकता मिल सकती है। तो आप लोगों को फिर से ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि जिसके साथ तुमने शादी की है उसको भारत का नागरिक बनाने के लिए आपको पंजीकरण या देशीकरण का सहायता लेना पड़ सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इतना समझा होगा। अगर आपने समझा है, लिखा है या नहीं लिखा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं उसके आगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे मिटाते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हमें पढ़ना है संविधान का अनुच्छेद 5 से स्टार्ट करके अनुच्छेद 11 तक चलना है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, संविधान का अनुच्छेद 5। जितने भी मेरे SSC GD के योद्धा बंधु हैं वो बढ़िया और धमाकेदार तरीके से क्लास को देखते रहिएगा और पूरी क्लास देखिएगा और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा। आपके लिए क्लासें बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आपसे मेरा दावा है कि अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो आपको आपकी SSC GD में जॉब लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। चिल्लाने से काम नहीं बनता, आपको पढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए कम समय में और बेहतरीन कंटेंट के साथ, गुरुकुल इंस्टीट्यूट आ रहा है तो आप लोग गुरुकुल इंस्टीट्यूट को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। हम आपके बीच बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप लोग लिखिएगा। अब आपको हमको पढ़ना है क्या, अनुच्छेद। अब हमें अनुच्छेद 5 पर चर्चा करना है कि क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है क्या, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, क्या संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता कैसे लिया जा सकता था, उसी के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 में जो नागरिकता है उसे में बताया गया है अनुच्छेद 5 में कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब उसके आगे लिखिएगा अनुच्छेद छः में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता, क्या पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता, आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत आया है, क्या पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत आया है तो उसके बारे में नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग आंसर देंगे कि संविधान के अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के बारे में। तो हम लोग अगर कोई व्यक्ति अगर भारत से, यानी पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसके बारे में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 5 में किया गया है। उसके आगे लिखिएगा अनुच्छेद 7।
अनुच्छेद सात में क्या कहा गया है? अनुच्छेद सात में कहा गया है पाकिस्तान में रह रहे लोगों की नागरिकता, यानी जो भारतीय लोग, लिखिएगा जो भारतीय लोग, यानी इसमें लिखिएगा पाकिस्तान में रह रहे लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान में रह रहे लोगों की नागरिकता, जो व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान में रह रहे लोगों के नागरिकता के बारे में संविधान के अनुच्छेद सात में बताया गया है। अब लिखिएगा, इसमें कोई आपको समझने वाली बात नहीं, मात्र आपको इसे याद करना है। संविधान का अनुच्छेद आठ लिखिएगा, अनुच्छेद आठ में क्या कहा गया है? विदेश में रह रहे लोगों की नागरिकता के बारे में, यानी जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, जो व्यक्ति भारत के विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया। तो लिखिएगा, विदेश में रह रहे लोगों की नागरिकता, विदेश में रह रहे लोगों की नागरिकता, यानी जो भारतीय व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में संविधान के अनुच्छेद आठ में बताया गया है। अब हमको पढ़ना है क्या, संविधान का अनुच्छेद नौ। लिखिएगा, जो अनुच्छेद नौ है उसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद नौ इसमें कहा गया है किसी दूसरे देश की नागरिकता, अनुच्छेद नौ में क्या कहा गया है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। लिखिएगा, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी दूसरे देश की नागरिकता, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उस दशा में जो भारतीय नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और उसके आगे लिखिएगा, इतना आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे। अब लिखिएगा अनुच्छेद 10। अब लिखिएगा, हमें पढ़ना है क्या, अनुच्छेद 10। हमें पढ़ना है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आपसे कहा गया है। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना नागरिकता के अधिकारों का
बना रहना यानी जो नागरिकता है वह कैसे बनी रह सकती है, तो इसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है। जो संविधान का अनुच्छेद 10 है उसमें बताया गया है कि जो नागरिकता है वो कैसे बनी रह सकती है। तो अब आपको पढ़ना है क्या, इसको सब आप लोग याद कर लीजिएगा, यही एडिट पूछा जाता है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। उसके आगे लिखिएगा अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने। अनुच्छेद 11 में आप लोग लिखिएगा, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। यानी जितने भी नागरिकता से संबंधित कानून बनाए जाएंगे वह भारत की संसद द्वारा बनाए जाएंगे। तो अब तक कितनी बार नागरिकता संशोधन अधिनियम आए हैं, तो अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको बस खाली इतना याद करना है कि अब तक कितने बार आए हैं, तो अब तक सात बार नागरिकता संशोधन अधिनियम आए हैं। जो पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम था वो क्या था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। उसके बाद आया 1986, फिर आया 1992, फिर 2003, 2005, 2015 और लास्ट 2019 में, यानी अब तक कुल मिलाकर 7 बार नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है। तो हम लोग लिखेंगे, इधर बगल में आप लोग लिख लीजिएगा, हमें देखना है क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पहला आया था वो आया था 1955 में, फिर उसके बाद जो दूसरा आया था 1986 में, उसके बाद जो नागरिकता संशोधन अधिनियम तीसरा आया था वो आया था 1992, जो चौथा आया था वो आया था 2003 में, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम पांचवा आया था वो आया था 2005 में, 2003, 2005 और उसके बाद जो नागरिकता संशोधन अधिनियम छठवें नंबर का था वो आया था 2015 में, और जो अंतिम बार आया है नागरिकता संशोधन अधिनियम वो आया है 2019 में। तो जो अभी लेटेस्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम चल रहा है वह चल रहा है सातवां, ये जो कब आया है 2019 में। तो बस आप लोगों को इतना ही इस भाग में जानना है नागरिकता में कि अभी तक कितने बार नागरिकता संशोधन अधिनियम आए हैं, उसमें कितने बार संशोधित किया जा चुका है, तो 7 बार किया जा चुका है। जो अभी लेटेस्ट है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो आप लोग इतना मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे, लिखे होंगे, समझे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है अगर आपको ये
पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।